नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या को लेकर सीएम योगी सख्त दिखाई दे रहे हैं। बिजली की समस्या और उसकी आपूर्ति को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में 75 जिलों में रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति हो। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद मिल रही है। कोयले की ढुलाई के लिए भी रेल सड़क मार्ग का इस्तेमाल होगा। ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। भविष्य में ऊर्जा की जरूरत के हिसाब से कार्य योजना तैयार हो। ऐसे बिल भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करें। भाजपा महानगर के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने के लिए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे। यहां डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। इसी के साथ चंदौली की घटना पर केशव प्रसाद मौर्य ने दुख जताया और कहा कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए हैं और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूं और परिजनों को सांत्वना देता हूं, और लेकिन इसकी जांच करके अगर किसी भी प्रकार से दोष पाया। का त्यौहार मनाया जाएगा। वहीं इस मौके पर राजधानी की पुलिस ने ईद शांतिपूर्ण तरीके से बीते इसके क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसी दौरान प्राइम टीवी से लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। पूरे देश में कल ईद का त्यौहार मनाया जाएगा और उसको देखते हुए राजधानी लखनऊ में भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हुए हैं। इसको लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर साहब। सर, ईद है कल और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश दुनिया में ईद मनाई जाती है। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो सुरक्षा इंतजाम किस तरह से किए गए? देखिए, मैं आपको और आपके माध्यम से दर्शकों और खासकर लखनऊ के निवासियों को अवगत कराना चाहूँगा कि पाक महीना रमजान चल रहा है और उसकी आखिरी तारीख कल होगी जब ईद मनाया जाएगा। और इस रमजान के दौरान पूरे लखनऊ में अमन शांति का माहौल कायम रहा। इस बीच हमारे दो जुलूस निकले, 19वीं जुलूस और 21वीं जुलूस, जो कि क्रमशः 21 अप्रैल और 23 अप्रैल को पड़े। काफ़ी संख्या में भीड़ आई, तादाद आई और काफ़ी शांतिपूर्ण रहा। अभी 29 तारीख को आपने देखा होगा अलविदा का नमाज भी काफ़ी शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इसी क्रम में कल ईद के नमाज अदा किए जाएंगे। हम लोगों ने सारी व्यवस्था कर रखी है। हम लोग जितने धर्मगुरु हैं दोनों संप्रदाय के, शिया सुन्नी, उनसे बात कर रखी है, हिंदू धर्मगुरुओं से बात की है। हम लोगों ने मीटिंग्स की है, हम लोग कहाँ कहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट होना वो तय किया है। हम लोगों ने अपने फोर्स को ब्रीफ किया है, जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए वहाँ लगाया है, ड्रोन लगाए जाएंगे। तो इन सब सारी व्यवस्थाओं के अनुसार मैं समझता हूँ कि कल ईद का त्यौहार भी सफल संपन्न होगा। सर, लाउड स्पीकर को लेकर के भी लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो कल को लेकर के कुछ अहम इंतजाम लाउड स्पीकर पर किए गए हैं? केवल कल के लिए नहीं, कि हमारी लगातार सतत प्रक्रिया जारी है और इसमें लखनऊ के वासियों ने हमारा काफ़ी सहयोग दिया है। जहाँ जहाँ गलत लाउड स्पीकर लगे थे उतार दिए गए हैं, जहाँ जहाँ लाउड स्पीकर लगे हुए थे उनकी आवाज़ ज़्यादा थी उनको आवाज़ कम कर दी गई है। शासन प्रशासन का यही निर्देश है कि आप यदि लाउड स्पीकर कहीं लगाए हुए हैं तो उसकी आवाज़ केवल आपके परिसर के अंदर ही रहे, परिसर से बाहर ना जाए। तो धीरे धीरे इसका पालन हो रहा है और हम इसका 100% पालन सुनिश्चित कराएंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो लगातार डीके ठाकुर साहब की तरफ से प्रशासन दुरुस्त करने की व्यवस्था की जा रही है राजधानी लखनऊ में, ताकि जो ईद का त्यौहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो सके। कैमरा पर्सन खबर लखनऊ से है, जहां जीआरपी पुलिस ने बच्चे का अपहरण करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने चारबाग रेलवे स्टेशन से शनिवार को बच्चे का अपहरण किया था, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने स्टेशन और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी महिला सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया। 20 तारीख की रात्रि में प्लेटफॉर्म नंबर 8-9 से पहले जो हमारा नया वाला पुल है उसके नीचे रात्रि में कुछ गरीब लोग आके सो जाते हैं, जिसमें एक मुकेश नंबरदार नामक व्यक्ति अपने 3 बच्चों के साथ सो रहा था, जिसमें उसकी 2 लड़कियां थी और एक लड़का, इसका 2 वर्षीय बच्चा, जिसको ये घर का नाम उसने इसका रख रखा है, का ऐसा ये नहीं था। तो इसने यहाँ आके थाने पर पहले आसपास तलाशा, फिर यहाँ थाने पर आके सूचना दी। तो इंस्पेक्टर चारबाग ने तत्काल रात्रि का पूरा सीसीटीवी फुटेज देखा, रात्रि में जहाँ यह सोया था वहाँ क्या घटनाक्रम हुआ,
तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे को ध्यान से देखने पर ये पता चला कि पहले एक लड़का आता है और वो वहाँ आके रैकी टाइप की करता है, घूमता फिरता है, फिर उसके पश्चात एक स्कूटी पर एक महिला और पुरुष जी को उठा के और वहाँ से जाके स्कूटी वाले उन दोनों से है, जहां इस समय प्रशासन बिल्कुल सतर्क नजर आ रहा है। एक ही दिन में तीन त्योहार पड़ रहे हैं, जिसके चलते जिले में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई और सभी जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। साथ ही आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने लोगों से त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। संजोग से इस बार कल जो है तीन त्योहार हैं, ईद का भी है और अक्षय तृतीया भी है और परशुराम जयंती भी है। इसको लेकर के हम लोगों ने जनपद स्तर पे और समस्त तहसील और थाना स्तर पे पीस कमेटी की बैठक करके लोगों से शांति से मनाए जाने की अपील की है। दूसरी तरफ हमारी पूरी पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेसी तैनात है। अलविदा के नमाज के दिन भी पूरे सुबह 4 बजे से ही सारी मजिस्ट्रेसी एक एक मस्जिद पे गई थी और वहाँ शांति व्यवस्था, कोई अफवाह न फैले, कोई पोस्टर न चिपका दे, किसी इस तरह की बातें न हो जिससे लोगों में वैमनस्य आए, इसका पूरा ध्यान रखा। खबर मैनपुरी से है, जहां जगत किशोर नाम का युवक अपने आप को सीएम का निजी सचिव बताकर अपराधी को छोड़ने के लिए अनावश्यक दबाव बनाया और एसपी को लगातार फोन कर रहा। इस मामले पर जब पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से जानकारी जुटाई तो वो फर्जी निकला। बता दें सारा मामला कानपुर के किदवई नगर का है। ये जेके वाजपेयी जो कि कानपुर नगर के रहने वाला है और वर्तमान में फतेहगढ़ में रहता है, कल रात में एक बेवर थाना में शातिर अपराधी पकड़ा गया था, जिसको छुड़वाने के लिए रात भर पहले एसओ को, बाद में सीओ को और अल्टीमेटली फिर हमें बहुत प्रेशर बनाने लगा कि इसको छोड़ दिया जाए। मैं निजी सचिव बोल रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। खैर इसके बाद फिर वो हमारी टीम सक्रिय हुई और इसका वेरिफिकेशन करके। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पीड़ित के साथ समझौता की सूचना देने गए रिश्तेदारों को दरोगा ने जमकर पीटा और युवक को सुबह से शाम तक चौकी पर ही बैठाए रखा, जिसके बाद इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब देखना यह होगा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी इस घटना को संज्ञान लेकर आरोपी दरोगा के खिलाफ क्या कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हैं। अलीगढ़ के थाना अकबराबाद क्षेत्र में लूट का मामला सामने आया है। पनेठी चौकी क्षेत्र निवासी एक महिला शाम को भैंस चराने खेत गई थी, जहां अज्ञात बाइक सवार दो लोगों ने महिला के कान की बालियां लूटकर फरार हो गए। छीना चपटी में पीड़ित महिला के चेहरे पर खरोच और चोट आई है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को कॉल कर सारी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने लुटेरों की खोज शुरू कर दी। खबर चंदौली से है, जहां पुलिस अधीक्षक ने मनराजपुर मामले में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि अभी तक युवती की मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है, हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। दिनांक 1/5 को जो गांव मनराजपुर है थाना सैयद राजा में, वहाँ पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कन्हैया जो यादव है उनकी जो बड़ी पुत्री है जिनकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, उनकी मृत्यु हो गई है और उसमें काफ़ी वीडियो वगैरह भी वायरल हुए थे। और जब जानकारी प्राप्त हुई तो मेरे द्वारा, डीएम साहब द्वारा, कमिश्नर साहब द्वारा, आईजी साहब द्वारा मौका मुआयना किया गया। इसके पश्चात जब बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, उसका पैनल से हमने पोस्टमार्टम करवाया है, उसकी पूरी वीडियोग्राफी हुई है, उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं। उसी के लिए आज हमने प्रेस ब्रीफिंग मेरे और डीएम साहब द्वारा रखी गई थी। उसमें जो चीज़ सामने आई है वो मैं एक बार आपको सभी को बता देता हूँ। उसमें एक गले के पास एक खरोच आई है और जो बाएं जबड़ा है उसके नीचे 0.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी मामूली सी चोट है। इसके अलावा कोई भी चोट। खबर गाजीपुर से है, जहां पर भावरकोल थाना पुलिस ने बीते दिनों पतालगंज सब्जी मंडी में कारोबारी के साथ हुई लूट की घटना का पर्दाफाश किया। सोमवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने लुटेरों को मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने बताया कि अभियुक्त के पास से लूट के रुपये के साथ ही तमंचा, कारतूस और बुलेट बाइक बरामद किया गया। 25 अप्रैल को शाम के 5 बजे के लगभग एक लूट हो गई थी, जिसमें एक आढ़ती से गोली मार करके
उसकी सूचना अनुसार कि 2 से 2.5 लाख रुपए लूट ले गए थे 3 बदमाश अपाचे मोटरसाइकिल में आए थे। तो दरअसल जब पूरी विवेचना की गई तो उसमें 3 नहीं बल्कि 4 बदमाश थे, उसमें से आज एक बदमाश गिरफ्तार हो गया है। इसका शुभम राय नाम है, ये लहुआटी करीमुद्दीनपुर थाने का रहने वाला है और इससे लूटी गई राशि से 4200 रुपये उसकी मोटरसाइकिल और इससे एक देसी कट्टा बरामद हुआ है और अभी इसके जो 3 अभियुक्त हैं वो फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी का। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।